सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक्निकल आरकेपी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रोविन कुमार। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं रेडमी Y1 और Y1 Lite के बारे में कि अभी तक आपको MIUI 10 का स्टेबल अपडेट देखने को क्यों नहीं मिला और इसका क्या रीजन है। फुल इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आपको आज मिलने वाली है, तो इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया था, कस्टमर केयर का कॉल रिकॉर्डिंग, उन्होंने मुझसे क्या कहा था जब मैंने उसे कॉल किया था रेडमी Y1 और Y1 Lite के बारे में पूछने के लिए। तो इस वीडियो में भी मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया है, उन्होंने मुझसे क्या कहा इस वीडियो में आप खुद सुन लीजिए। और उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि वो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं कि सपोर्टेबल नहीं है, तो आप खुद सुन लीजिए कि वो क्या कहा, उसने मुझसे क्या कहा, उसके बाद हम बात करते हैं। अभी इशू क्या आ रहा है आपके मोबाइल के अंदर ये बताइए। हम Redmi Y1 के बारे में जानकारी चाहते हैं कि सभी Redmi Y1 में तो सभी डिवाइस में आ चुका है MIUI 10 का स्टेबल अपडेट, पुराने डिवाइस में भी आ चुका है और मगर Redmi Y1 में अभी तक नहीं आया है। तो जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि Redmi Y1 मोबाइल में जो है अभी तक के MIUI 10 क्यों नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी प्रॉब्लम को, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इससे पहले आपका नाम जान सकती हूँ सर मैं, आपका नाम क्या है? रोबिन कुमार। अभी अपडेटेड वर्जन यही है एनडी के MIFD। तो रोबिन सर बताना चाहूंगे, जब भी आएगा ठीक है तो आपके जो है मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में आएगा, ठीक है रोबिन सर। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद से डाउनलोड ना करें यूट्यूब पे से देख के, अदरवाइज आपकी फाइल जो है करप्ट हो जाएगी सारी। कंपनी जो है सीरीज वाइज प्रोवाइड करवाती है रोबिन सर, पहले बताना चाहूंगी मैं आपको। और अभी हमारे इसमें जो लेटेस्ट वर्जन एकदम लेटेस्ट जो है, अभी अपडेटेड वर्जन जो है अभी यही चल रहा है रोबिन सर, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी ये आया नहीं है, अभी हमारे इसमें यही चल रहा है ठीक है। उतना जानकारी तो हम लोग को भी है ठीक है, उतना उससे ज्यादा जानकारी हम लोग को भी है। हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि इससे काफी ज्यादा पुराना मोबाइल Redmi 3S, 3S Prime, Redmi Note 3 उस सब में आ गया है, ये बहुत लेटेस्ट मोबाइल है Redmi Y1, Y1 Lite, इसमें क्यों नहीं आया, ये जानकारी चाहते हैं। इतना तो हमको ही पता है कि नोटिफिकेशन मेरा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सारा बात हमको पता है पहले से। आप फिर बताइए कि पुराने डिवाइस में आ चुका है तो लेटेस्ट डिवाइस में क्यों नहीं आया, हम ये जानना चाहते हैं। रोबिन सर ये देखिए, ये जो है MIUI 10 कंपनी खुद प्रोवाइड करवाती है ठीक है, ये हम नहीं प्रोवाइड करवाते, कंपनी खुद प्रोवाइड करवाती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगी, सबके मॉडल अलग अलग है ठीक है। अब इसमें क्या होता है सर, अभी जो नहीं आ रहा है इस दौरान पर जो एप्लीकेशन है वो जो है अभी सपोर्ट नहीं कर पा रही, इस दौरान पर जो है MIUI 10 नहीं आ रहा, बट ये जो है जल्द से जल्द आने वाला है सर, सपोर्ट नहीं कर पा रही ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, सबकी एप्लीकेशन जो है मोबाइल मॉडल सबके अलग अलग रहते हैं ठीक है, जो मॉडल रहता है उसमें एप्लीकेशन जो रहती है उसमें सूट हो रहा है इस दौरान पर जो MIUI 10 दिया है। ये नहीं कह रही हूँ कि Redmi Y1 में सपोर्ट नहीं करेगा MIUI 10, बट अभी लेटेस्ट में जो है एप्लीकेशन वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है, इस दौरान पर नहीं आ पा रहा है ठीक है, जो कि आपकी फाइल करप्ट होने के चांसेस है। इस दौरान पर जो है कंपनी खुद जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएगी। कंपनी भी जो है सर, उन्होंने जब बोला है कि MIUI 10 आएगा तो जल्द से जल्द आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। कब तक आ पाएगा इसका जानकारी नहीं दे सकते हैं? देखिए सर, मैं जो है रोबिन सर ये नहीं बोल सकती कि जो है आपको इसी वीक के अंदर आ जाएगा, ये श्योरिटी मैं बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि जल्द से जल्द आएगा। और मैं आपकी जो बात है, जो आपने मुझे कहा है कि MIUI 10 इस मोबाइल में क्यों नहीं आया, तो मैं यहाँ जरूर से जरूर मेंशन करूंगी कि हमारे रोबिन सर ने जो बोला है कि सारे मोबाइल में आ चुका है बट हमारे Redmi Y1 में नहीं आया, तो ये चीज मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ कि आपका जो है MIUI 10 Redmi Y1 में जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाए ठीक है, ताकि हमारी कंपनी जो है इसके रिगार्डिंग में जल्द से जल्द आपको जो है यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग में जल्द से जल्द वर्क अभी भी किया जा रहा है ताकि आप लोगों के उस सुविधा के लिए। और मैं भी यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाए ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको MIUI 10 एनी हाउ जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाए ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके जी, वेलकम सर, वेलकम। और इसके अलावा कोई और जानकारी आप लेना चाहेंगे रोबिन सर? मैं धन्यवाद जी। और अभी हमारे इसमें भी जो है लेटेस्ट वर्जन यही चल रहा है 9.6.2.0 एनडी के MIFD ठीक। ओके, और मैंने मेंशन कर दिया है कि इस मोबाइल में भी जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाए ठीक है। ओके, धन्यवाद जी रोबिन सर जी। हाँ, और इसके अलावा कोई और जानकारी आप लेना चाहेंगे रोबिन सर? नहीं।
तो दोस्तों आपने सुना कि एमआई के कस्टमर केयर ने मुझसे क्या कहा, तो दोस्तों खुद कस्टमर केयर तक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपडेट उन्हें हमें कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। वो कह रहे सपोर्टेबल नहीं है, मतलब खुद कंपनी को अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें क्या समझ में आएगा कि कब अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बहुत ही दोस्तों हद हो चुका है, एकदम हद का हद पार हो चुका है। मतलब कि रेडमी 3S, 3S प्राइम, मतलब कि इतना ज़्यादा पुराना डिवाइस है, मतलब रेडमी Y1 और Y1 लाइट से, और इनमें मिल चुका है और हमें अभी तक नहीं मिला। ये बहुत ही मतलब हद का हद पार हो चुका है दोस्तों, और ये कब मिल सकता है इसका कोई कंफर्मेशन डेट भी आपको नहीं दिया जा रहा है, कस्टमर केयर की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मगर बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं कि आपको दिसंबर में मिल जाएगा, जनवरी मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका खुद कंफर्मेशन डेट अभी तक नहीं निकला है, खुद कंपनी तक को नहीं पता है, तो कोई यूट्यूबर आपको कैसे बता सकता है कि इसका आपका डेट कब तक है, कब तक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में मुझे आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना था कि रेडमी Y1 और Y1 लाइट में अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है एमआई 10 कस्टमर अपडेट। तो दोस्तों अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने का जरूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियोस को लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं।